सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। 24 जनवरी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसका फुल एनालिसिस लेकर हम आ गए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और अपनी कमेंट्स अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें जो है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम ये कंटेंट कैसा बना रहे हैं, और आपका जो एक शेयर है वो हमें प्रोत्साहन देता है कि हम आपके लिए रोज़ एनालिसिस ला सकें। और साथ ही आप जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने दोनों कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन उनको मिक्स कर दिया है, थोड़ा आप देख लेना कि आज दिन भर का एनालिसिस निकल के आया है और आधा अधूरा जो है एनालिसिस देखने से अच्छा है कि हम एक फुल एनालिसिस देखें जिसमें हमें पूरे दिन का एक अंदाज़ा लग पाए कि दिन भर में जो पेपर हुआ है आज जो पूरे दिन भर में उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो मध्य प्रदेश जीके से है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो न्यायमूर्ति एन के गुप्ता जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो जगदीश देवड़ा जी जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। नया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है मैथ्स में, वैन आर एक से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और लगभग दो दिन हो चुके हैं वैन आर एक के प्रश्न आते रुके। तो वैन डायग्राम के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप कंप्लीट करके जाइएगा जिनका हाल ही की शिफ्ट में जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। कथन और निष्कर्ष से प्रश्न लगातार आ रहे हैं फ्रॉम द बात करें तो 8 जनवरी से लगातार जो है कथन और निष्कर्ष के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में जो ये प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए था, ये विज्ञान में कोई ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। बच्चे पूरे प्रश्न तो नहीं बता पाते हैं लेकिन जितना डेटा हमारे पास आता है वो हम आपको बताने में सक्षम हो पाते हैं, ठीक है। 1857 के विद्रोह से कोई प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ से किस क्षेत्र से किस व्यक्ति ने जो है नेतृत्व किया था। वैसे तो ओवरऑल बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह हुआ था लेकिन किसी क्षेत्र से तात्या टोपे ने, किसी क्षेत्र से महारानी लक्ष्मीबाई ने, मतलब कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने जो है 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि कहाँ से किसने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी एक फेवरेट चैप्टर बना हुआ है मैथ्स में, जहाँ से लगातार प्रश्न जो हैं बच्चों से पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रहा है, थोड़ा सा लेंदी दे रहा है जिसमें थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाए प्रश्न, बाकी प्रश्न जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आ रहा है पेपर में। मैथ्स की हम बात करें तो एमपी जीके से एक और क्वेश्चन हमको देखने के मिला कि जामवंत की गुफाएं कहां पर हैं। तो ये डिंडोरी ज़िले में जो हैं जामवंत की गुफाएं हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं तो हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू करवाया गया। तो 1193 में जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू करवाया गया। उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसका वर्क जो है वो फिनिश किया गया था, जैसा कि सबको पता है। हाँ, पिछले ओलंपिक में धमाल मचाने वाले तैराक माइकल फिलिप्स ने अभी तक कितने ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? तो इनकी हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं और ये बल्क में मेडल जीते हैं। तो इन्होंने अभी तक 28 गोल्ड मेडल, जिसमें 28 टोटल मेडल जो है ओलंपिक में जीते हैं, जिसमें 23 गोल्ड, 3 रजत और 2 कांस्य के साथ इसने टोटल 28 मेडल जो है ओलंपिक में जीते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो आर्थोपेडा संघ से कोई प्रश्न पूछा गया था, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, जहां से लगातार प्रश्न साइंस में बल्क में बन रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला पूछा गया था, तो अलीराजपुर जो है मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पिछली शिफ्टों में जो है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला भी पूछा जा चुका है। तो आप थोड़ा सा सबसे कम सबसे ज़्यादा वाले प्रश्न जो हैं देख लीजिएगा मध्य प्रदेश वाइज। और उसके बाद बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना किसने करी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन स्कूल्स की स्थापना की गई थी। 1901 में उन्होंने जो है शांति निकेतन स्कूलों की जो है नींव रखी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनेलिडा और टेरिडोफाइडा, ये जो बायोलॉजी का जो एक टर्मिनोलॉजी है इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। तो ये एनेलिडा टेरिडोफाइटा से थोड़ा सा आप सर्च करके इससे रिलेटेड जो भी है आगे पीछे दाएं बाएं इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। वो पढ़ना बस नहीं है, मैं आपको सबसे बेहतर ट्रिक बताता हूँ इसका, आप थ्योरी पढ़ के इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट लूसेंट का एमसीक्यू लगा सकते हैं आप या गूगल कर सकते हैं, उसको सॉल्व
फॉलोअप करके जाइएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट होकर आपको एग्जाम में मिल जाए, तो वो आपके लिए वेरी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं स्पायरोगायरा कहाँ पाया जाता है। तो ये तालाब में हरे रंग की पतली शैवाल होती है। तो ये बायोलॉजी जो है भर के आ रही है पेपर में, तो थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर साइंस में तो वो बायोलॉजी से आपको फोकस करने की बात करें, वहीं साइंस में हम बात करें फिजिक्स वाले पोर्शन की, तो वहाँ से दर्पण से प्रतिबिंब से कोई प्रश्न पूछा गया था, तो वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, आपको ये याद रखना है। थोड़ा सा एक बार लिस्ट को देख लीजिएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन से नंबर का राष्ट्रपति रहा है या प्रधानमंत्री रहा है। ठीक है, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछ लिया जाए। ओके, बात करते हैं फातिमा बानो कौन है। तो देश की पहली महिला मुस्लिम कुश्ती खिलाड़ी हैं फातिमा बानो, इनको आपको याद रखना है। तिरकान ए चहलकानी की स्थापना किसने करी? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है तिरकान ए चहलकानी की स्थापना की गई। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? रिपीटेड क्वेश्चन है, उमरिया ज़िले में है जो कि पूछा गया है। ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ताज महोत्सव का उत्सव, ताज का संबंध जो है ताजमहल से, ताजमहल है आगरा में, तो ताज महोत्सव का आयोजन भी जो है आगरा में किया जाता है। चतुर्भुज, गोला, वृत्त, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज वाली चैप्टर्स को अच्छे से लगा लीजिएगा, इनसे प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं मैथ्स में। और ये इतने सारे चैप्टर्स के जो हमने नाम बनाए हैं ये आपस में कोरिलेटेड करके प्रश्न दे रहा है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न दे रहा है, एरिया के निकालने के प्रश्न दे रहा है, रेडियस निकालने के प्रश्न दे रहा है, भुजा ज्ञात करने के प्रश्न दे रहा है। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा है आप अच्छे से देख के जाइएगा परीक्षा में। बेनारिक के प्रश्न जो है आप शिफ्टों में पूछे जाने लगे हैं, तो इनको भी देख के जाइएगा जिनका आगामी शिफ्टों में पेपर होने वाला है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आयु वाले प्रश्न भी लगातार शिफ्टों में आ रहे हैं। तो 4 से 5 चैप्टर हमने वो बता दिए एडवांस मैथ के, और 4 से 5 चैप्टर ये हैं जिनसे लगातार प्रश्न बन रहे हैं गणित में। विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनमें आकृति दिखाता है और पूछा जाता है कि यह किस जगत का है। तो जितने भी किंगडम हैं अपने बायोलॉजी के, उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि किस किंगडम में क्या आता है, तो वहां से आप प्रश्न कर सकते हैं। समय और कार के भी प्रश्न देखने को आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। सिंपलीफिकेशन के प्रश्नों में कई बार बच्चों का कहना है कि सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। विभाज्यता नियम से भी 2 से 3 प्रश्न जो हैं एग्जाम में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विभाज्यता नियम की, हमने बात कर ली। उसके बाद घन को काटने वाला प्रश्न भी पूछा जा रहा है लगातार, जैसे 1 घन को 13 बार काटने पर कितने घन बनेंगे, या इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कागज़ की आकृति को फोल्ड किया जाएगा तो कितने बार वो फोल्ड करें कि क्या का क्या बन जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न, लॉजिकल जो प्रश्न हैं, वो परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्लड रिलेशन भी 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं, और ब्लड रिलेशन भी 2 क्वेश्चन को मिक्स करने वाले जो कॉम्प्लिकेटेड ब्लड रिलेशन होते हैं, तो वो उस टाइप से पूछ रहा है। मतलब पेपर एक प्रकार से कह रहे हैं कि टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आसानी से पेपर को कर पाएंगा। और बात करें पोर्शन की, तो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है जो वो 65 to 70, जो कि मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है या जब से मैंने पुलिस कॉन्स्टेबल में सेलेक्ट हुआ हूँ, Day 1 से यही बात सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ अपने चैनल के हर एक वीडियो में, हर एक मोटिवेशनल वीडियो में, हर एक कैप्सूल वीडियो में, हर एक टॉप 500 क्वेश्चन के वीडियो में, मैंने हर जगह ये बात बोली है कि जो अपना MP पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज जो है वो 65 to 70% होता है, और GK साइंस, GK करेंट अफेयर, MP GK और साइंस का जो वेटेज है वो 30 to 35% होता है। तो वह चीज़ अभी भी बरकरार है, वह चीज़ अभी भी बिल्कुल एकदम अकाट्य सत्य है जो कि पेपर में आ रही है। जिसका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है उसका पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।